हेलो माय सब्सक्राइबर, कैसे हैं आप लोग। आज हम बनाएंगे रेड वेलवेट केक और साथ के साथ आपको इसकी रेसिपी भी शेयर करेंगे। और इसकी रेसिपी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप इजीली देख के आप बना सकते हैं। आज जो हमारा जो रेड वेलवेट पाउडर है वो सनराइज कंपनी का है और प्री मिक्स है। और ये केक का मोल्ड है हमारे पास, जिसमें अच्छी तरह से रिफाइंड ऑयल से पॉलिश कर लीजिएगा कि चिपके नहीं। आप चाहे तो बटर पेपर भी इसके नीचे यूज कर सकते हैं, बट मैं बटर पेपर यूज नहीं करूँगा और मैं सीधे वॉयल यूज करूँगा। और प्रॉपर इसको ब्रश लेकर आप कर लीजिएगा चारों तरफ से। और आपको ब्रांड दिखाता हूँ कौन सा ब्रांड है। ये रहा, सनराइज कंपनी का है और प्रीमिक्स पाउडर है रेड वेलवेट का। बहुत ज़्यादा बहुत बढ़िया टेस्ट है इसका, बहुत बढ़िया टेस्ट है और बहुत अच्छा खुशबू आता है इसके अंदर से बनने के बाद। अब इसको हम मशीन में डालते हैं इसको करने के लिए, मिक्स करने के लिए। तो चलिए मशीन की तरफ चलते हैं। मैंने इसकी रेसिपी के हिसाब से मैंने इसमें पानी डाला हुआ है। अब आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेसिपी दे दूंगा 1 kg का, आप उसके हिसाब से डाल लीजिएगा, ठीक है। और साथ में मैं क्या करूँगा, रेड वेलवेट का स्पंज हाइट नहीं आता है तो थोड़ा वनीला स्पंज का जो पाउडर मैं इसमें यूज करूँगा ये वाला, आप 1 kg पे 250 ग्राम डाल दीजिएगा। मैं यहाँ पे 2 kg का मिक्स कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे आधा किलो से लेके 600 ग्राम इसमें डालूँगा। और इसको स्लो स्पीड पे आप इसको फेंटना चालू कीजिएगा, बिल्कुल स्लो स्पीड पे। पहले अगर आपको लगता है कि थोड़ा पानी कम है तो बिल्कुल हल्का सा डालिएगा। वैसे पानी इसका तो प्रॉपर हमने रेसिपी में दिया हुआ डालने के लिए, बट अगर आपको लगे कि थोड़ा इसमें पानी कम है तो आप थोड़ा सा पानी डाल के देखिएगा, वेट कीजिएगा, अच्छी तरह से विटर मिक्स हो जाए। और साइड में है ना स्क्राइपर लेकर आप बढ़िया तरीके से क्लीन कर लीजिएगा और सेंटर में कर लीजिएगा, कि जिससे बेटर जो है रेड वेलवेट का प्रॉपर आप मिक्स हो जाए। और चलिए आगे वीडियो में बताते हैं, इसको मिक्स हो जाने दीजिए, फिर दिखाता हूँ कैसे मिक्स हुआ। और इसको फुल स्पीड में हमने थोड़ी देर के लिए चला लेना है और देखो आप इसके बाद कलर कितना बढ़िया आएगा। आप देख सकते हैं प्रॉपर रेड दिख रहा है। इसको बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मोल्ड में फिर डालेंगे हम। आप देख सकते हो कितना बढ़िया। और इसमें मैंने तेल लगभग 750 ml डाला हुआ है, क्योंकि ये रेड वेलवेट है, इसमें स्पॉन्ज में रेड वेलवेट स्पंज में तेल बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि सॉफ्टनेस उसकी बहुत ज़्यादा चाहिए, तो इसमें तेल हमें ज़्यादा डालना पड़ेगा। अब चलते हैं, इसको हो गया है प्रॉपर मिक्स हो गया है, मेरा वेटर रेडी है और इसको हम अब सीधे मोल्ड में डालेंगे। और मेरा मोल्ड है 1/2 kg का मोल्ड है, तो इसमें मैं 350 से 400 ग्राम तक इसमें अपना रेड वेलवेट मिक्स जो किया वो डालूँगा इसमें। चलिए डालते हैं, अब इसमें डाल दिया मैंने। आप चाहे तो आप वेट करके डाल लीजिएगा, मेरे को आइडिया है कितना डालना है, मैं क्योंकि रेगुलर डालता रहता हूँ तो मुझे पता है एक में कितना डालना है। अगर आप चाहे तो आप वेट मशीन का इस्तेमाल कीजिएगा, अगर आप फ्रेशर है नया में आप बना रहे हैं तो आप ये डाल लीजिएगा, ठीक है। प्रॉपर इसी तरह से जैसे मैं डाल रहा हूँ ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके दो दो में डाल लीजिएगा, एक बार में, फिर दूसरा टाइम में डालिएगा। और साथ के साथ आपका जो ओवन है उसका टेम्परेचर 165 से 180 डिग्री सेल्सियस पे आप उसको पहले 10 मिनट बेक करने से पहले 10 मिनट पहले आप उसको चालू कर लीजिएगा, जिससे टेम्परेचर आपका बना रहे प्रॉपर ओवन में। और उसके बाद सीधे ओवन में आप बेक करने के लिए डाल दीजिएगा, ठीक है। और ये केक के लिए मैं जो बना रहा हूँ स्पॉन्ज, ये हमारा रेडी हो गया है। अब हम पेस्ट्रीज के लिए ट्रे में डालेंगे, जो जिससे पेस्ट्रीज हमारा बने। तो पेस्ट्रीज के लिए हमारे पास स्पॉन्ज वाला पहले जो ट्रे है, स्पॉन्ज का जो आपके पास ट्रे होगा उसमें आप यूज़ कीजिएगा, या इसी तरह का बॉल होगा अगर आपके पास होगा तो वो डाल लीजिएगा, ठीक है। और प्रॉपर चारों तरफ इसको कॉर्नर पे और ऊपर से साइड में चारों तरफ लेवल अप कीजिएगा, कहीं भी छोटा कहीं भी ज़्यादा कहीं कम नहीं होना चाहिए। प्रॉपर इसी तरीके से डालिएगा जैसे मैं अपने हाथों का इस्तेमाल कर रहा हूँ डालते समय, आप भी इसी तरह कीजिएगा यूज। और प्रॉपर देख लीजिएगा और ओवन का ध्यान रखिएगा कि उसका सेका पहले से बना रहे तब डालिएगा, नहीं तो अच्छा नहीं आएगा। और देख सकते हो कितना बढ़िया मिक्स हुआ है। और इसमें एक्चुअली अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद ना आप ओवन में देखिए बेक करने के लिए डाल दिया हूँ, और 10 मिनट में देखो कितना बढ़िया, देखिए कितना हाइट आया है, कितना प्रॉपर एकदम से पक गया है। पकने के बाद इसको अब ओवन से निकालते हैं और इसको टेबल पर लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा है। अब एक एक करके सारा बेक हो गया है, तो मैं इसको निकालता हूँ, करके निकालेंगे। एकदम गर्म है, बिल्कुल गर्म है, देखिए कितना बढ़िया गर्म है। गर्म गर्म ही निकालना है तभी ये निकलेगा, वरना बाद में निकालिएगा तो ये चिपक जाएगा, ठीक है। कितना अच्छा है। तो इसके साथ मैं कटिंग करके आपको दिखाता हूँ प्रॉपर।
कि अंदर से कैसा है। और ये किया दो दिन में मैं इसका केक बना के वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करूँगा अपने चैनल पर। तो मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा कि टाइमली आपको नोटिफिकेशन मेरा वीडियो का मिलता रहे। और ये रहा फाइनल लुक मेरा, देखो कितना बढ़िया, कितना सॉफ्ट, एकदम रेड अच्छा लग रहा है।